नेक्स्ट आता है इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स फॉर्मेशन. इंटरस्टीशियल of compounds
होने की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा होगी, जिसकी रेड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन लूज होना करेगा, तो Fe2+ जो है वो Fe3+ में जाना चाहता है। तो यहां पर E नॉट Fe2+ से Fe3+, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होगा, लो होगा, ठीक है ना। तो यहां पर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहां पर अगर हमको दो एलिमेंट के उन्होंने रिडक्शन पोटेंशियल दे रखी है, उन्होंने सपोज दो एलिमेंट के रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं और दोनों केस में 2+ से 3+ में जा रहा है, दोनों केस में 2+ से 3+ में जा रहा है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो जल्दी क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या बना लेगा, Fe, जैसे यहां पर Fe3+ में है, मतलब कि 3+ के स्टेट में ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यहां पर जो वो पूछ रहे हैं कि कौन ज्यादा 3+ के फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा, कौन 3+ के फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो 3+ के स्टेट में ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वो जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर जाएगा, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। बात समझ आ गई? तो यहां पर हम इस तरह से स्टेबिलिटी को बताते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल। नेक्स्ट आता है ट्रेंड्स इन द स्टेबिलिटी, इन द स्टेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब कि जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को किन के साथ ज्यादा स्टेबल करते हैं, वो है ऑक्सीजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे कि Mn है +7 +6 या क्रोमियम है +6 इसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, +5 इसके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन है। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन जो हाई वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किन एलिमेंट के साथ, क्योंकि सबके साथ ही हाई वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेंगे। तो यहाँ पर जो एलिमेंट कौन है, यहाँ पर ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उनके साथ अपनी ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। फ्लोरीन के साथ जैसे कोबाल्ट है CO(F3) के फॉर्म में मिलेगा, वेनियम के साथ BF5 के फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली अपने यहाँ पर ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, अपनी +3 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो ये यहाँ पर क्यों शो कर रहे हैं, कारण क्या है, फ्लोरीन के साथ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का या ऑक्सीजन के साथ, कारण है कि यहाँ पर हाई बॉन्ड एंथैल्पी और हाई लैटिस एंथैल्पी, हाई बॉन्ड एंथैल्पी एंड हाई लैटिस एंथैल्पी, ठीक है ना। ये दो पार्ट, दो जो फैक्टर है ये रोल प्ले करते हैं, ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन में हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा स्टेबल क्यों है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में, क्योंकि इनके केस में इन दो के ये जो दो है बॉन्ड एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई करती है, ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में भी ऑक्सीजन जो है वो फ्लोरीन से भी ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल कर सकता है। अगर मैं बात करूं Mn, Mn की +7 तक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन फ्लोरीन के साथ ये अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर सकता है, फ्लोरीन के साथ ये अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन के साथ, ये आपको Mn2O7 की फॉर्म में भी मिल जाता है, Mn2O7 की फॉर्म में ही मिल जाता है, और यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, ऑक्सीजन के साथ +7 भी शो कर पा रहा है। कारण क्या है, ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड भी बना लेता है, इसलिए अपनी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट शो करता है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट मतलब फ्लोरीन से भी ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट को भी स्टेबल कर लेता है ऑक्सीजन, कारण वो डबल बॉन्ड बना सकता है। नेक्स्ट आता है कॉपर, कॉपर जो है Cu2+ और Cu+ के फॉर्म में मिलता है, ठीक है ना। इन दो स्टेट में कौन ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी ऑफ Cu2+ इज मोर, कारण क्या है, Cu2+ की जो है बेसिकली ज्यादा नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी है, मोर नेगेटिव, इसकी मोर नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी है, दैट्स व्हाई Cu2+ इज मोर स्टेबल देन Cu+, इज इट क्लियर। तो यहां पे बच्चों आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई और डी ब्लॉक भी खत्म हो गया, इसके अंदर बेसिक